हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। होपफुली सारे अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फिलहाल वीडियो की शुरुआत हो रही है आज सत्यनारायण देवता जी के मंदिर से। आज हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ ऐसा यहाँ से लोकेशन व्यू दिखता है हमारे पहाड़ों का, किन्नौर कैलाशी पहाड़ियाँ है ये। तो ये हमारा मंदिर का गेट और ये शुभम यहाँ पे तैयारी कर रहा है पूजा करने के लिए, और ये है रवि कुमार, और ये हमारा किचन मंदिर का जहाँ पे हम लोग सामग्री बनाते हैं पूजा पाठ के लिए। तो पूजा पाठ यही बनता है हमारा सारा। हमने मस्त यहाँ पे आग जला दिया है, पानी गर्म हो चुका है। अभी आज हम बनाने वाले हैं रोटी और हलवा। हलवा बनेगा हमारा आटे का, हमने गुड़ भी लाया है इधर, ये है रहा गुड़। गरम है ना पानी? यहाँ पे आप रवि की टोपी देख सकते हैं, मस्त यहाँ पे डिजाइन बनाया है, ओम माने पद्मे होम लिखा है इसमें, तो काफी यूनिक सा डिजाइन बनाया है यहाँ पे टोपी में। बाकी मौसम हल्के हल्के बादल है, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ रही है, ना ही बर्फबारी हो रही है। अगर ऐसे ही सूखा रहा तो आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जितने भी बगीचा है, सेब के बगीचे हैं, वो डिपेंड है सिंचाई पे। तो ये सामने हमारा पहाड़, हमारी पहाड़ी जहाँ पे बर्फ थोड़ा सा भी नहीं है, नहीं तो लास्ट ईयर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्फ था वहाँ पे, तो बिल्कुल सूखा है ये। तो अभी हम लोग आटा छान रहे हैं रोटी बनाने के लिए, तो रोटी बनाएंगे इसका हम लोग, और हलवा भी इसी आटे का बनाएंगे। ये बर्तन छोटा है इसलिए हम लोग बड़ा सा ये परात लाएंगे, तो इसको थोड़ा सा छालना पड़ेगा अभी। तो ये अभी छोटा से बड़े बर्तन में हम लोग आटा डाल रहे हैं आटा गूंदने के लिए। तो रवि कुमार घर पे तो आटा गूंदता नहीं है और यहाँ पे आके आटा गूंद रहा है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? क्या करें, मजबूरी है यार, गरम गरम है हमारा ये। ये हमारा बड़ा सा तावा जिसपे हम लोग बनाएंगे रोटी अभी। ये पानी वाला जो पतीला, इसको निकाल के साइड में रख देते हैं। हमारे पुजारी साहब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे इस उम्र में भी, तो बाल्टी में रख देंगे हम लोग गर्म पानी, बाद में हमारे को बर्तन धोने के लिए काम आएगा ये। और इसे हम लोग लगाएंगे पतीले में गुड़ का पानी हलवा बनाने के लिए। इसको थोड़ा सा छाल के लाओ जी आप। और रवि लगा है यहाँ पे अपने काम पे बहुत शिद्दत से, तो पानी मैं लेके आता हूँ नलके से। तो ये हमारा तवा यहाँ पे चूल्हे के ऊपर बैठ चुका है, तवा काफी पुराना है हमारा। तेल से रगड़े इसको, तेल से रगड़े इसको, थोड़ा सा तवा को यहाँ पे हम लोग साफ करेंगे तेल से। उससे भी करो तो अंकु, उससे भी करो, इसको जला दो। हाँ ये क्या हुई, आंखों में आंसू आ गई। हाँ ये हुआ ना, चमक गया हमारा तवा। वाह वेरी गुड। और ये आटा रेडी हो चुका है रोटी बनाने के लिए, तो इससे हम लोग 5 रोटी बनाएंगे, मोटे मोटे बड़े बड़े। मेरे को लगता है आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हमारा, ठीक है चलेगा, बढ़िया है। तो ये बन चुका है हमारा पहला रोटी रवि के हाथों से, बड़े बड़े हाथों से बड़े बड़े रोटियां बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बस ये बस ये वही ना बात, अंकु इसको पकड़ना भी तो नहीं, ठीक है ना, चिमटा देखो वहाँ पे।
फ्रेंड नीचे किचन में तो काफ़ी ज़्यादा धुआं था, इसलिए मैं ऊपर मंदिर के पास आ गया हूँ और थोड़ा सा मैं आज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है लोसर वाला, तो लोसर के बाद हमारे देवता जी और देवी जी स्वर्ग लोग जाते हैं 24 दिन के लिए। तो हम लोग हर संडे को यहाँ पे पूजा करते हैं, जितने भी हमारे मंदिर है गाँव में तो सब जगह मंदिर में पूजा किया जाता है। बिना बर्फ के आप हमारी पहाड़ियों को देख सकते हैं, बहुत ही बदसूरत दिख रहे हैं ये। तो ऐसा है आजकल हमारे यहाँ का मौसम, हमारे पहाड़ों का नज़ारा। ये सामने किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ, वहाँ पे हल्की हल्की सी बर्फ हमारे को दिखाई दे रही है। देख सकते हैं पूरी पहाड़ियाँ अभी सूखा सूखा ही है और पहाड़ों पे धुआं ही धुआं है। मौसम खराब हो रहा है, शायद थोड़ी सी बारिश बर्फबारी हो जाए आजकल। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको मेंटेन करके रखें। तो हम लोग जितने भी ऐसे कल्चर प्रोग्राम होते हैं उसमें भाग लेते हैं बच्चों के, और लोगों को भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कल्चर है, रीति रिवाज है, वो धीरे धीरे बहुत जो है कम हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए इसको बचा रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देवी देवता जी स्वर्ग लोग गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर ना ही हरा काटेंगे, ना ही खेत खोदेंगे, ना ही कुछ ज़्यादा शोर शराबा करेंगे। तो हमारा लगभग 24 दिन तक ऐसी रहेगा यहाँ पे शांत वातावरण। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड हमारे पहाड़ों पे हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। लगता है थोड़ी सी बारिश या बर्फबारी हो जाए तो अच्छा ही होगा। ये जी हमारा यहाँ पे रोटी बन गया है पूजा के लिए, और अभी हम लोग लगाएंगे गुड़ को पिघा लेंगे इसमें डाल के। पानी तो ठीक लग रहा है, कम है। लगाएंगे हम लोग 1 किलो गुड़। हाँ सारा लगा दो। हाँ, ये हमारा गुड़ का पानी रेडी हो चुका है, हमने छान के इसको इस केतली में रखा है, और ये हम लोग कढ़ाई में लगा रहे हैं तेल हलवा के लिए। और थोड़ा तो लगाना पड़ेगा, कम है ना ये। चल अंकु वहाँ से ला। हाँ हाँ इसमें। बस काफ़ी है, हो गया बस। आटा भी ला कर रखी दादा, यहाँ ला कर रखो। ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है, इसमें डालेंगे हम लोग आटा, थोड़ा करके डालना ना। हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। बस घुमा अंकु यार, फटाफट घुमाओ। हाँ ऐसे आटा कम नहीं चलेगा। अब इसको हम लोग अच्छे से पकाएंगे, ब्राउन हो जाएगा ये और भी ज़्यादा। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें गुड़ का पानी। तो ये हमारा पक गया है आटा, और हम लोग डाल रहे हैं इसमें गुड़ का पानी। बस हो जाएगा, ये और लगाएं, और थोड़ा सा लगा दो। बस ये लग चुका है इसमें गुड़ का पानी, और ये बन रहा है हमारा हलवा। इसको भी उबालेंगे, अच्छे तरीके से पकाएंगे। पर हमारा हलवा रेडी हो चुका है, मस्त बना है काफी, बहुत ही शानदार कलर है। लो जी हो गया हमारा हलवा रेडी, अब करेंगे हम लोग पूजा की थाली तैयार। तो हम लोग करेंगे प्रात में, वो छोटा वाला प्रात लेकर था, पहले रोटी लगाना होगा, नीचे से रोटी लगाना होगा। ये सज रहा है हमारा पूजा की थाली। थोड़ा अंदर ठीक है, लगाओ जी इसमें हलवा। ये अभी हम लोग कर रहे हैं थाली रेडी।
बस बस सब तो नहीं लगाना होगा ना, बस 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 इसको थोड़ा सा शेप दो, अच्छा सा करछी से दो शेप। ये हमारा थाली रेडी हो चुका है और इसके साथ लगेगा शराब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे यहाँ पे पूजा पाठों में। बिना शराब के ये पूजा पाठ अधूरा होता है हमारा। तो ये हो चुका है हमारा पूजा की थाली और शराब का बोतल यहाँ पे रेडी पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर और करते हैं पूजा, दिखाते हैं आप लोगों को भी किस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। तो हमारा पूजा पाठ खत्म हो चुका है। आज हम लोग कम लोग थे इसलिए कि यहाँ पे 8-9 लोगों का ग्रुप बनाया था, उसमें से 2-3 लोग और भी नहीं आए थे, तो हम लोग आज 5-6 लोगों ने ही पूजा किया है। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ, यानी कि नीचे वाले मंजिल में, और जो भी बर्तन है उसको धो के रखेंगे, साफ सफाई करके रखेंगे, बर्तनों को धो के रखेंगे हम लोग अभी अगले संडे के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे, अंदर झाड़ू मारेंगे। तो हमने सारे बर्तन धो के यहाँ पे रख दिया है अगले संडे के लिए, और कमरा भी यानी कि किचन को भी साफ किया है, झाड़ू मार के बढ़िया बना दिया है। तो चलते हैं, फिलहाल एक काम और रहता है हमारे पास, वो है पानी भरना, क्योंकि ड्रम में पानी खाली हो चुका है और ड्रम में पानी भरते पहले। तो अभी शुभमन हम आए हैं पानी भरने के लिए, पहले पाइप जोड़ के ले जाएंगे यहाँ से वहाँ सामने मंदिर तक। जाने दे, बस 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 वहाँ जोड़ दे। तो पानी जोड़ना पड़ेगा ऊपर वहां से जहाँ पे कनेक्शन है। अच्छा, मैंने गलत लेके आगे वाला ना, जॉइंट आगे लेके था। पहले पाइप बिछाते हैं और उसके बाद ऊपर जाके हम लोग इसमें पानी जोड़ेंगे और ड्रम भर रखेंगे, क्योंकि आगे भी 2-3 कार्यक्रम और हैं यहाँ पे, 2 संडे और पूजा करना है, उसके बाद भी और भी कार्यक्रम होता रहता है यहाँ पे सर्दियों में, तो पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी यहाँ पे। तो हमारा पाइप फिलहाल यहाँ तक आ गया है और यहाँ से अभी अपने घर से लेके आएगा पानी का पाइप, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे उस छत में, जाएंगे छत से सीधे डायरेक्ट मंदिर तक। तो हमने पाइप मंदिर तक पहुँचा दिया है और जाके ऊपर से पानी जोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कुएं में भी आजकल पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग आजकल सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि बारिश भी नहीं पड़ रही है, बर्फबारी भी नहीं हो रही है, तो अनाज देख सकते हैं पीले हो चुके हैं, तो इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो लोग सिंचाई कर रहे हैं, करने में लगे हैं। यहाँ से हम जोड़ेंगे अपने पाइप में
मंदिर वाले पाइप में यहाँ से पानी जोड़ेंगे हम लोग, ले जाएंगे और हो गया। ये चाव छुड़ा हुआ था उसको भी जोड़ते पहले। तो यहाँ भी छुटा हुआ है पाइप, इसको भी जोड़ते हैं। पानी काफी है, जल्दी भर जाएगा, एक घंटे में तो भर जाएगा। पूजा मैं नीचे देखता हूँ। ओ यार चला जा रहा हूँ हमसे। हाँ हाँ तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, हमारा पानी आ चुका है पाइप में। हाँ वे तो इसको हम लोग यहाँ से इस वाले ड्रम में भरेंगे। ज़्यादा बड़ा ड्रम नहीं है, 5 लीटर का थोड़ा सा ड्रम है, तो पानी बिल्कुल खाली है, तो इसको फटाफट से भरेंगे। एक घंटा या 2 घंटा लग सकता है हमारे को। हो गया बंदे, आराम से चलो भाई।